नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ मैं हूं राकेश। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने का सिलसिला लगातार अभी भी जारी है। कोरोना का कहर सारी दुनिया के साथ साथ भारत में भी लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना वायरस से अब तक 68 लोगों की जानें जा चुकी हैं। वहीं संक्रमितों की संख्या 2900 के पार पहुंच गई है। देश भर में अभी तक कुल संक्रमित 2902 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 601 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इन्हीं 24 घंटे के भीतर 12 मौतें भी हुई हैं। इसी खबरों के बीच एक खबर अच्छी यह है कि इसके संक्रमण से कुल 184 लोग ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। आपको ये भी बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश में 21 दिनों का लॉकडाउन जारी है, जो 14 अप्रैल तक चलेगा। आपको बता दें कि भारत में फंसे 112 फ्रेंच नागरिकों को एयर इंडिया के विशेष विमान से पेरिस ले जाया जा रहा है। विमान ने आज सुबह उड़ान भरी। पहले विमान मुंबई जाएगा और फिर वहां से सीधे पेरिस के लिए उड़ान भरेगा। ये सभी फ्रेंच नागरिक कोची, बेंगलुरु और मुंबई में फंसे हुए थे। वहीं वाराणसी से तबलीगी जमात में शामिल हुए 15 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 2 सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक मामला दशाश्वमेध थाने के मदनपुरा का है और दूसरा मरीज कर्नाटक का रहने वाला है। 13 सैंपल निगेटिव मिले हैं। जमात में शामिल अब तक कुल 23 लोग सामने आ चुके हैं। 8 लोगों के सैंपल आज भेजे गए हैं। रविवार शाम तक उनकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। इसके अलावा पुलिस ने 3 और मामले सीधे BHU में सैंपलिंग के लिए भेजे थे। उनमें से 1 कोरोना पॉजिटिव निकला। यह शख्स लोहता गांव का रहने वाला है, यूपी में। दूसरी तरफ आगरा के जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि आगरा में कोरोना वायरस के 25 और मामले सामने आ गए हैं। जिले में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 45 के पार पहुंच चुकी है। और नेशन भारत लगातार लोगों से ये अपील करता नजर आ रहा है। अपने दर्शकों से भी खास अनुरोध करता है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रशासन का सहयोग जरूर करें। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहें नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई खबर छूट न पाए।